प्रतिमेला अर्थातच आदरांजली वाहताना आपण बघू शकतो. जापान गया तो क्योटो
स्वयं वहां के प्रधानमंत्री जी आए और वहां के इस भगवान बुद्ध के मंदिरों के परिषद को मुझे साथ लेकर के ले गए। अभी श्रीलंका गए, सभी बौद्ध भिक्षुओं के साथ मेरा मिलने का अवसर मिलेगा और मैं देखता हूं कि कितनी बड़ी आध्यात्मिक चेतना है, लेकिन बिखरी पड़ी है। समय की मांग है कि संकट से विश्व को अगर बचाने के लिए बुद्ध का करुणा प्रेम का संदेश काम आता है तो ये शक्तियां सक्रिय होनी चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा था उसी रास्ते पर संगठित भी होनी चाहिए और तभी जाकर के सामर्थ्य प्राप्त होगा। और मैं ये अच्छा हुआ कि हमारे कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया अभी तक, वरना कई चीजें हमारे देश में बड़ा विवाद का कारण बनाने में देर नहीं लगती। मैं गांधीनगर में मुख्यमंत्री था, हमारा जो सचिवालय का नया परिषद था, उस परिषद में मैंने एक बहुत बड़ी मूर्ति भगवान बुद्ध की लगाई है। और मैं जिस मुख्यमंत्री के निवास पर रहता था वहां पर भी प्रवेश के सामने ही भगवान बुद्ध का रहता था। अभी तक शायद इन लोगों का ध्यान नहीं गया वरना तो कब कब के मेरे चपड़ी उधेड़ दी गई होती। शायद एक कारण यह है मेरे ज्ञान या जानकारी के कारण नहीं, कुछ बातें होती हैं जो हमारे अंदर पता भी नहीं होती है। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ तो जब हम बच्चे से पढ़ते थे तो आता था युजवेंद्र सिंह यहां आए थे यहां रहे थे, थोड़े बड़े हुए तो पता चला युजवेंद्र सिंह काफी समय मेरे गांव में रहे थे, क्यों रहे थे तो फिर पता चला कि हमारे सामान्य प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध पूर्वी क्षेत्र में थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा भारत के दूर सुदूर पश्चिम क्षेत्र में मेरे गांव बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था और हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा का बड़ा काम होता था। तो ये युजवेंद्र सिंह ने सब लिखा है। मैंने जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे स्वाभाविक इच्छा हुई भाई ये लिखा गया तो कुछ तो होगा, तो मैंने हमारे यहां पुरातत्व विभाग को कहा जरा खुदाई करो देखो क्या है, और मुझे खुशी हुई कि वो सारी चीजें खुदाई में से मिल रही है। के स्तूप मिलाए वहां के हॉस्टेल से मिलकर के आए हैं और वीर सिंह ने जो वर्णन किया था हजारों की तादाद में लोग वहां शिक्षा दीक्षा लेते थे। तो उसके बाद मैंने एक जब मुख्यमंत्री था तो एक ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत एक बुद्ध भिक्षुओं को मैं उस जगह पर ले गया और मुझे ये भी खुशी थी कि हम एक जगह पर खुदाई कर रहे थे तो वहां से तो हमें भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, सोने की एक डिबिया मिली है जो अभी एमएस यूनिवर्सिटी में रखी गई है। भविष्य में सपना है कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वह एक भव्य भगवान बुद्ध का मंदिर बने और विश्वभर में भगवान बुद्ध से प्रेरणा पाने वाले सबके लिए ये प्रेरणा का केंद्र बने। तो मेरा नाता मैं हमेशा अनुभव करता हूं कुछ विशेष कारण से भगवान बुद्ध के साथ है, उस विचारों के साथ है, उस करुणा और प्रेम के रास्ते के साथ है। मुझे आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के चरणों में आकर के बैठने का अवसर मिला, उनका स्मरण करने का अवसर मिला और आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं फिर एक बार नेपाल के लोगों के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि मेरे पीड़ित भाइयों को बहुत शक्ति दें और बहुत ही जल्द हमारा ये प्यारा भाई ताकतवर बने और
शक्तिशाली बनकर के हिमालय की गोद में फले फूले, यही प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।